PS क्रिएटर्स YouTube चैनल के इस नवे व्लॉग च आए सारे दर्शकों नूं मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं NRI कुछ ही मिनटों बाद तुहानूं इस व्लॉग दे विच नज़र आवांगा। तो चलो शुरू करते हैं इस व्लॉग नूं। चलते हैं PS दे घरे ते देखते हैं PS की कर रहा है। ओह तो PS GTA 5 खेल के अपना टाइम पास कर रहा है। उंज ते सवेरे सवेरे काफ़ी लोग अपनी वधिया सेहत लई जिम जाते हैं, पर मैं PS तो यही उम्मीद कर सकदा। उंज तां PS ऑलरेडी दो बार GTA 5 गेम का एंड कर चुका है, तो किन्नी की होर खेलेगा यह। ओ माई गॉड, शुक्र है PS ने हेडफोन ही चक्के मारे ने, कितने रिमोट चक्के टीवी च नहीं मारता। एज पर साइंस अ ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग, तो एक इंसान किन्नी की देर कला रह लेगा या फिर किन्नी की देर कला गेम खेल के टाइम पास कर लेगा। NRI व्लॉग्स, अच्छा तो PS नू NRI की याद आई गई। तो मिलो जी NRI नू, जो कि खुद एक यूट्यूबर ने और अजकल इन्हां उत्ते स्केटबोर्डिंग का एक भूत सवार होया है। एक खास मकसद के चलते हुए ये स्केटबोर्डिंग नू सीख रहे ने। क्यों सीख रहे ने ये तुसी जाके इन्हां दे ही चैनल ते माई इंट्रोडक्शन एंड ब्यूटीफुल सिटी फगवाड़ा के नाम से व्लॉग चैक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के थोड़ा मिल जाएगा। हेलो, हाँ जी टडवाल साहब, की हाल चाल आ? हाँ जी रिशु भाजी, भाजी कितने हो? टडवाल साहब मैं इतने अपनी स्केट प्रैक्टिस कर रहा सी। भाजी मेरे घर आओ यार, थोड़ा जल्दी। टडवाल साहब तुसी मैनू इतने लैन आ सकते हो मल्ले तो? अच्छा चलो रेडी रहो, फिर मैं आ गया एक मिनट च। चलो जब तक तुसी आने हो मैं अपनी स्केट प्रैक्टिस चालू रख। बाय द वे आज जी बैकग्राउंड के वॉइस सुन रहे हो वो मेरी ही है। PSG कपड़े टंगी दे आ सिटी दे नहीं, तो इस वक्त तुसी देख सकते हो साढ़े PS भाजी अपनी एक खास विचित्र दो पहिया सवारी ते सवार हो गए ने। तो इस विचित्र सवारी के बारे मैं अगे चल के जरूर थोड़े नाल गल करांगा। तो चलो PS भाजी ते PS भाजी दे इस खास विचित्र दो पहिया यंत्र नूं आपां साइड ते करिए ते गल करिए मेरे यानी कि NRI दे बारे। तो मैं अपनी स्केट प्रैक्टिस नूं लैके अजकल काफ़ी ज़्यादा सीरीयस हाँ, पर जो कि हुण मैनू PS भाई ने इनवाइट किया अपने घर, तो मैं उन्होंने कहा मोड़ नहीं सकता। इस विचित्र यंत्र के बारे एक गल जो मैं थोड़ा पहला ही दस देनी चाहिए सी, वो यह कि इस सवारी के उत्ते एक ही बंदा सवार हो सकता है। कैक तो मार दो। इस विचित्र दो पहिया यंत्र के उत्ते सवार होने तो बाद मैनू याद आता है कि जीवन बीमा कराना कितना ज़्यादा जरूरी है। तो फिलहाल तो मैं अपना कोई जीवन बीमा कराया नहीं सी होया, इस करके मैं हनुमान चालीसा पढ़ता पढ़ता समझ सकते हो। अपने प्यारे मित्र PS लई मैं अपनी जिंदगी जोखम च पा के उसके घर पहुँचता गया, तो वो घर पहुँचने तो बाद मेरा रिएक्शन कुछ इंज सी। अगे तो नहीं बहना ये मैं डबल सीटर लैके आया करी। अपने घर लिया के PS ने सब तो पहला काम जो किया उसी मैनू ओपन चैलेंज करना, ओपन चैलेंज फॉर WWE। टू बी ओनेस्ट मैं बहुत लंबे समय तो PS4 के उत्ते गेम नहीं सी खेली, तो मेरे अगे दो ऑप्शन सी गो फॉर इट और क्विट। तो मैं ठहरिया NRI और मेरी डिक्शनरी दे विच क्विट वर्ड है ही नहीं सी, तो ओबीवियसली मैं इस चैलेंज नू एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि मैं पास्ट विच काफ़ी गेम्स खेलता रहा इस करके मैनू पता सी कि जॉन सीना एक काफ़ी वधिया खिलाड़ी हो सकता है गेम नू जितन लई। तां इस तो पहला PS जॉन सीना सिलेक्ट कर पाता मैं ये बाजी मार ली, जिस करके PS नू मेरे उत्ते काफ़ी खिच चढ़ गई, तो मैं जख्मां उत्ते नमक छिड़कन लई उहदे अगे यह कुछ कर रहा सी। पर कुछ समय गेम खेलन तो बाद मैनू याद आ जाता है सैफ अली खान की रेस फिल्म का डायलॉग, जिस विच उहदा कहना सी कि रेस हमेशा कार नहीं बल्कि कार नूं चलाने वाला जितता है। यही कुछ गेम दे विच भी हो रहा सी, क्योंकि गेम दे विच हमेशा करैक्टर नहीं करैक्टर नूं चलाने वाला जितता है। मैनू नहीं सी पता कि PS एक चोटी का खिडारी है, जिथे मेरी सोच खत्म होंदी सी उत्थों उहदी सोच शुरू होंदी सी। मैं तो अपना एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, पर ऑल माई एफर्ट्स वर इन वेन।
कुछ भी काम कर ही नहीं सी रहे उहदे अगे। काफ़ी मुशक्कत तो बाद मैनू एक चांस मिलिया तो सही, बट फिर बी पी एस ने बाजी मार ही ली। आखिरकार मैनू यह गल समझ आई गई कि मेरा गेम चो कट लेना ही वधिया, इहदे विच पी एस नू हरा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो मैं कुछ ऐसा लभदा जिहदे विच मैं उहनू हरा सकां। तो मैनू याद आउंदी है इह वाली खेड चिड़ी उड़। समय दा पहिया ऐसा घूमिया कि जो रिएक्शन कुछ समय पहला मेरे फेस ते सी ओही रिएक्शन हुण पी एस दे फेस ते आ रहा सी। तो इस रिएक्शन को देख के मेरे दिल में जो सुकून मिल रहा है उन्होंने तो मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। तो हुण समा सी नून मिर्च पा के तड़का लाउण दा। जेकर इधर मैं ओवर कॉन्फिडेंट ना हुंदा तो इस मुर्गे नूं कुछ होर देर तक तड़का लाया जा सकता सी, ते समय रहिंदे जिहड़ा पतली गली चों निकल जावे उहनूं एनआरआई कहिंदे आ। इस खेड दे विच मेरा होर मन नहीं सी लग रहा, यह कहिंदे हुए मैं बाहर निकल गया ते अपना मुर्गा फ्राई होण तों बचा लिया। इस तों बाद मैं पी एस नूं कहा कि कुछ ऐसी एक्टिविटी की जाए जिहदे विच हथ ते पैर दोनों ही चलन, ते सानूं इस तों अलावा होर कुछ मिलिया ही नहीं। काफ़ी देर इस एक्टिविटी नूं करन तों बाद साडी दोनों की दाल इत्थे भी निकली। हुण बैठे बैठे तो अपना समा व्यतीत किया नहीं जा सकता, इस करके पी एस नूं याद आंदा है कुछ ऐसा। भाजी बाबा दिन हो गए यार, कुत्ती नहीं नवा हुई, कुत्ती नवा लीए आपां, चलो आ जाओ। एक काम मैनू भले वाला लग्या, मैं सोचा कि मैनू किसी की दुआवां ही लग जाऊंगियां, हो सकता है मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो ही कर जाए। पर इत्थे तो पी एस ने मेना धक्का ही करता, चार दुआओं की आड़ में निकला एनआरआई गमछा उठाए, हो गया धोखा दुआओं की आड़ में रगड़ रगड़ के टायर साफ करवाए। पी एस दे घर दे तो रूल ही अजीब ने, जानवर के नाम चीजा वाले, चीजा के नाम जानवर वाले पाए हुए ने। इस तो बाद सानू दोनों नू हुण की ही होर सोच सकदा सी। भाजी मेरी तार ज्यादा दूर तक, मेरी ज्यादा दूर तक आ दे, ए आ दे हुण दस वे यार। रिशु भाजी एदे विच भी मजा नहीं आता पिया यार, पहन दिए फिर। हुण पी एस दे प्रति मेरा गुस्सा सतमें आसमान ते पहुंच चुका सी। तुसी कहावत तां सुनी ही होनी आ कि एक मच्छी सारे तलाव नूं गंदा कर दिंदी है, और इस मच्छर जे ने मेरी स्केटबोर्डिंग प्रैक्टिस भी सारी तहस नहस करके रख दी। अज मैं बैठा यही गल सोच ही रहा कि मैं काश ये अज आया ही ना हों, पर बेचारे की शकल देख के मैं काफ़ी तरस आ गया। मेरे नालों ज़्यादा दुखी तो यह सी बेचारा, इस मौके पर मैं अपने यार दोस्त को कला किमें छड़ सकता सी। फिर मैं पी एस कहता अजा मच्छियाँ ताड़िए, मैं काफ़ी ज़्यादा ट्राई की, बहुत देर तक मच्छियों को ताड़ता रहा, पर मच्छी को ताड़ना भी कोई कम है, आखिर किन्नी देर ही बंदा एक मच्छी को ताड़ता रह सकता है। मैं कहता मैं नहीं कर सकता, असी घर का कोना कोना छान मारिया पर सानू दोनों करने लिए कुछ लभ ही नहीं सी रहा। फिर असी लिविंग रूम के दोनों बैठे यही सोच रहे थे कि असी अज अपना टाइम पास करिए तो करिए कि अचानक मेरी निगाह पैंदी है उस लिविंग रूम के पे दूजे एक्वेरियम से। ते की हुण इन्हों भी पहला वांगू ताड़दे रहिए? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तुहानूं तां सारे नूं पता ही है कि बेला दिमाग शैतान का घर हुंदा है। पी एस मैनू देख के डर गया सी, क्योंकि एक शैतानी आइडिया मेरे दिमाग च अपना घर कर गया सी। मैं कहा पी एस जी क्यों डरदे आ, उठो अज कुछ तूफानी करदे आ। ओ क्यों तेरे चेहरे ते मायूस छाया है, उठ नमूनिया जलंधर नूं चलिए, उत्थे एक बंदा आया है जिन्हें स्पेन तो आर्टिस्ट सद के अपनी जीव नूं टक लवाया है, होर ता होर उन्हें अपनी बाह ते कुछ ऐसा करवाया है जिस गल करके वो चारों पासे छाया है। ओ बेलड़ा भुख भी बहुत लगी आ, चल बाहर जाके कुछ चरदे आ, उठ छेती ओदा इंटरव्यू करके अपना चैनल ग्रो कर दे। मेरे प्रिय मित्र, मेरे दोस्त, मेरे सपाठी, मैं एनआरआई तेरी एक वायरल वीडियो बनाने लिए तेनू अज जलंधर लैके जा रहा। मैनू माफ़ करी मेरे दोस्त, पर मेरे लिए एक एक सैकेंड अज कीमती सी, और तू अज मेरा सारा दिन खराब करता, इस करके मैनू बदला तो लेना ही पैना ना मेरे दोस्त, मैनू माफ़ करी।
हुण इस व्लॉग नूं देखण वाले दर्शक सोच रहे होने ने कि NRI ऐसा की करन वाला आ कि एक वायरल वीडियो तैयार होने वाली है। तो इस चीज़ नूं जानने लई एंड तक इस व्लॉग नूं देखते रहो। मैं NRI PS नूं लैके पहुँच गया वहाँ PPR मार्केट जलंधर। देखो तो सही मेरा दोस्त PS अज किन्ना खुश है। जिदा इहदा बर्थडे हुंदा ते टैटू स्टूडियो दे अंदर जांदी इहदे गल च हार पैने हुंदे आ। दुख तो मैनूं काफ़ी आ कि मैं अजय दे नाल जो करन वाला आ, पर मैं की करा, मेरे अगे मेरी स्केटबोर्डिंग की प्रैक्टिस घूमी जा रही है जो मैं अज PS दे करके कर नहीं पाया। इस करके मैनू बदला लेना ही पैना, मेरे दोस्त लेना ही पैना। इस करके इस खुशी नू मैनू चीकां दे विच तब्दील करना ही पैना, करना ही पैना। तो PPR मार्केट दे विच असी आए हैं टैटू नशा स्टूडियो दे विच, जिथे एंटर होंदे ही सानू दिखदे आ साडे खास जिन्हां दा नाम है भरत खत्री। इंडिया दे ओह पहले शख्स जिन्होंने अपनी जीव नू स्नेक जिदा का बनाया कटवा के स्पेन तो स्पैशल आर्टिस्ट बुला के। इस दे नाल ही इन्होंने अपनी आम ते एक स्कैरिफिकेशन टैटू करवाया है। इस टैटू नशा स्टूडियो दे विच मैं PS नू उहदा कन पीयरसिंग करवाने लई लैके आया, जिहदे लई मैं उहनू ऑलरेडी ही कन्वेंस कर चुका। कन्वेंस करन लई मैनू उसनू इह कहना पिया कि इस पीयरसिंग नू करवाउण तों बाद तेरी लुक विच चार चांद लग जाणगे। फाइनली भरत बाई नाल काफ़ी लंबी चर्चा तो बाद हुण समा सी ईयर पीयरसिंग दा। ते नाल ही PS दे इस रिएक्शन नू देखण लई मैं काफ़ी देर तो वेट कर रहा सी और रिएक्शन मैनू मिल ही गया। हाय मम्मी, मैं NRI दी गल्लां च आ के कन्न बनाउण जा रहा, हुण मेरा की होऊगा, मैं तां पिछे वी नहीं हट सकदा। मम्मी मैनू बचा लो, मम्मी कुछ तूफानी करन दे चक्कर च मैं अपना कितें घाटा ना करा लवां। हाय रब्बा मैनू बचा लो। देखो गाइस, अज मैं अपने कन्न ते पीयरसिंग करन वाला, इत्थे 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 देखो इत्थे। आर यू निडल, जिहदे नाल इहदे कन्न दा वड वडंगा कीता जाएगा। एंड नाउ इट्स एक्शन टाइम। इत्थे भरत बाई ने सारी मेजरमेंट्स कर ली सी कि किवें किवें पीयरसिंग करनी है। तो उस तो बाद PS दा रिएक्शन तो देखो, मैं नहीं डरदा, मैं नहीं डरदा। सो फाइनली गाइज हियर वी गो, जिस काम लई NRI इत्थे आया सी वो स्टार्ट हो गया। पर एक मिनट, मैं तो इस रिएक्शन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं सी कीती यार। मैं तो घरों कुछ होर सोच के आया सी। मैं तो सोचा सी कि PS मैनू कुछ ऐसे रिएक्शन देगा और ऐसे रिएक्शन देते वक्त मैं उसकी वीडियो बना के सारे सोशल मीडिया से शेयर कर देवांगा और उसका मजाक बनावांगा, पर यह तो मेरा उल्टा ही हो गया। NRI का बदला पूरा नहीं हो पाया। अगली बार देखांगे, कोई नहीं, तब तक लई बाय बाय गाइस, क्योंकि मेरा अगे ही बहुत घाटा हो गया, मैं होर नहीं करा सकता। NRI वालों ते PS वालों सारिआं नूं सति श्री अकाल। वैल जांदे जांदे तुहानूं मैं सारिआं नूं इह दसना चाहुंदा कि PS ने भरत बाई दे नाल एक इंटरव्यू भी किया, जिहदी वीडियो दा लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाएगा, जाके चैक जरूर करना। बाय बाय यार, हुण होर नहीं घाटा करा सकता।